एसएनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है, वो भी जैक बोर्ड के आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, और अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप कुछ भी नहीं देखें। आप यकीन माने, आपको मैं जो ये क्लास देने जा रहा हूं, यहां जो वीवीआई क्वेश्चंस हम करवाएंगे, इसके आगे कुछ भी आ जाए तो चैनल को नॉट इंटरेस्टेड कर देना, मेरा दावा है, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का, मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, सिंधु घाटी कहां है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई। अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जिससे आपको यह लगे कि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन का आंसर एक ही में मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको, आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी अगर हम आपको बता देते, इसे चार पांच क्वेश्चन आपका हो जाएंगे और एक ही वीडियो से आपका सारा एग्जाम का पेपर हो जाएगा। इससे एक भी शब्द आपके बाहर जाने वाले में से नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए, पहली बार जब पाकिस्तान में लाहौर से कराची की ओर जब मध्य रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस समय उस दरमियान में कुछ अवशेष प्राप्त होने लगे। वो अवशेष कुछ हड्डी वगैरह, खोपड़ी, मनुष्य का खोपड़ी, सब कुछ कुछ धातुएं जैसे कि हथियार वगैरह, ये सब मिलने लगे। उससे क्या हुआ कि लोग जो काम कर रहे थे मजदूर, वो डर गए, और डरने के बाद क्या होता है ना, वो छोड़ करके वो भाग जाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती जब लोगों ने और आके जब पुरातत्व विभाग के जब लोग वहां पर पहुंचे और देखा कि यहां खुदाई से कुछ कुछ सामान, कुछ कुछ हड्डियां वगैरह मिल रही है, तो उन लोगों ने और अधिक खोजने का जिज्ञासा निकाला और अधिक जिज्ञासा करने लगा। और इसके बाद क्या होता है, यहां पर कई प्रकार के एटम्स मिलते हैं, सामान मिलता है, जिससे आप ब्रेक बिट्स एंड बोन्स यानी कि ईटे, अस्थि और मनके के रूप में जानते हैं। यानी कि सबसे पहले जो खुदाई की गई सिंधु घाटी सभ्यता में, वो जगह था आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा देखिएगा, यहां से एक नदी निकलती जिसको कहते हैं आप सिंधु नदी, और इस प्रकार से यहां जो नदी आती इसको कहते हैं रावी नदी। तो हड़प्पा जो है आपका यहां पर है, रावी नदी पर है आपका हड़प्पा। तो क्वेश्चन में आया भी, अब आएगा भी कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, यह 2023 की क्वेश्चन है। तो हड़प्पा आपका है रावी नदी पर, और इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने किया था, और किसके, अलेक्जेंडर कनिंगहम के नेतृत्व में। अब इस प्रकार से क्या होता है, यहां पर कुछ कृषि संबंधित चीजें मिली हैं, जैसे मान लीजिए कृषि के लिए अन्नागार रखना, छोटा सा वो स्नानागार मिलना, और ओखली, अगर मान लीजिए खेती लोग करेगा तो ओखली भी रखेगा, और ओखली रखेगा तो मृदभांड भी चाहिए, मनके भी चाहिए, तो इस प्रकार की चीजें वहां मिली है। लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी मिला है, सीमेंटेड मूर्ति भी मिले हैं, और ये मंजूपा इत्यादि मिला, ये सब कुछ आपके हड़प्पा से मिले हैं। नंबर टू, उसके बाद आपके अगले साल ही खोज किया जाता है आपका मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, जो आपके सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, यानी ठेका लिए थे सर जॉन मॉन्सर, ठेका लिए थे सर जॉन मार्शल, और उसके नेतृत्व में काम कर रहे थे आपके राखल दास बैनर्जी, बंगाली दादा काम कर रहे थे, और काम करने के साथ इन्होंने 1922 में खुदाई किया, और खुदाई में क्या क्या मिला आप देखकर हैरान हो जाएगा। इसके ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, आप कभी नहीं भूल सकते मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिले। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। आइए बात ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या मिला, सबसे पहले पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास है, स्नानागार, चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र, कुआं मिला है, पशुपति शिव का मंदिर मिला है, उसके बाद आपका सभागार मिला है, नृत्य करती हुई आपकी लड़की भी मिली है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, कब्रिस्तान, मृतकों का टीला को कहते हैं मोहनजोदड़ो, यहां पर मिला क्या क्या है तो ध्यान दीजिएगा, पंडित जी आएंगे नहाएंगे, यानी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, नहाने के बाद कुआं से जल निकालेंगे, और पंडित जी लोग ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, पहले खा लेते हैं तब पूजा करते हैं, तो अन्नागार मिला है, तो उसके बाद क्या हुआ अन्नागार के साथ, उसके बाद वो सूती कपड़ा लपेट करके, यानी कि सूती कपड़ा का उद्योग यहां पर था, सूती कपड़ा लपेटेंगे, और लपेटने के बाद चौड़ी चौड़ी सड़क पर दौड़े दौड़े जाएंगे, और सड़क के किनारे मंदिर होता है, यानी पशुपति
नाथ जिन्हें शिव कहा जाता है, तो भगवान शिव का भी प्रतिमा यहां पर मिला है। पूजा करेंगे, अब पूजा करने के बाद कुछ जागरण देखेंगे, यानी कि नृत्य करती हुई यहां पर महिला दिखाई जाती है कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद जब नाच गाना जागरण हो जाएगा, पूजा पाठ का विधान हो जाएगा, तब लोग सभा करेंगे यानी सभागार। तो क्वेश्चन आएगा विशाल सभागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। मृतकों को टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो में। इस प्रकार से आपका मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपका आता है चनहुदड़ो, जहां पर आपका लिपस्टिक काजल पाउडर यानी कि कॉस्मेटिक सामान जो औरतें जो ज्यादा से ज्यादा यूज करती उसके विषय में यहां ज्यादा मिलता है। यह है आपका चनहुदड़ो। और चनहुदड़ो भी आपका सिंधु नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, चनहुदड़ो सिंधु नदी पर। तो सिंधु भी आपका जो है, सिंधु कौन सा प्रांत है, ये वाला, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये आपका सिंधु है, ठीक है। तो सिंधु में आपका चनहुदड़ो का अवशेष मिला है, सिंधु घाटी में आपके औरत विशेषज्ञ समान ज्यादा से ज्यादा मिला हुआ है। उसके बाद क्या है, चनहुदड़ो का खोज आपके एनपी मजुमदार साहब ने किया है, जहां पर आपके मृदभांड मिले। मृदभांड कैसे, अब मृदभांड अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार होते हैं, और इसमें जो रंग पेंट जो किया गया है वो इस प्रकार का है। अब देखिए, आप देखते हैं कि लीला वगैरह कुछ होती है, श्री कृष्ण का अगर आप लीला देखते होंगे तो वहां पर जो मनके जो होता है यानी कि जो मटका होता है उसमें रंगाई पोताई करके जो गोपियां होते लेके जाती है, तो कुछ इस प्रकार का यहां पर मिला है। अच्छा, अगर कलर की बात करें कि सिंधु घाटी से एकदम कलर का कैसा था, तो क्या था, रंग दे तुमोहे गेरुआ, यानी कि गेरु वर्णीय। जब मिट्टी को पका दिया जाता है, उसे बर्तन तैयार किया जाता है, तो उसका जो कलर होता है वो होता है आपका गेरु वर्णीय। तो यहां पर गेरु वर्णीय टाइप का यहां पर चीजें मिली है। उसके बाद आपका कालीबंगा, कालीबंगा 1953 में इसका खोज किया गया, ये आपका राजस्थान में है, जहां आपका हवन कुंड मिला है। और हवन कुंड के साथ साथ आपके जो हल चलाते हुए जुता हुआ खेत, धान की कुछ अवशेष, ये आपके कालीबंगा में मिला है। इनका खोज आपका अमलानंद घोष ने साहब ने किया था। उसके बाद है कोट दीजी जो आपका फजल अहमद खान ने किया था, 1955 में इनकी खोज की गई है। यहां पर मनुष्य के सभ्यताओं से 16 अधिक लेयरों का खोज किया गया, यानी कि 16 तहों का खोज किया गया, कहां पर, कोट दीजी जहां पर मनुष्य सभ्यता का खोज किया गया। उसके